नमस्कार, मैं निशा तोमर अपने मिश्रित रसोई चैनल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करती हूं। और आज बनाते हैं कुछ ऐसी मिठाई जिसमें हमें गैस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना हमें चीनी चाहिए, ना हमें शक्कर चाहिए। तो बनाते हैं, इसमें हमें कच्चा नारियल भी चाहिएगा। तो आधा किलो मैंने पेठे की मिठाई ली है और ये मेरे पास कच्चा नारियल है कसा हुआ, और ये है मावा, वैसे तो मैंने घर पे निकाला है, आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। और ये है गोली का बरूदा, यहाँ पर थोड़े से काजू हैं, किशमिश है और तीन रंग है मेरे पास। तो बनाते हैं मिठाई। पेठे की मिठाई को हम पहले कद्दूकस कर लेते हैं। इस तरह से आप इसे कद्दूकस कर लें, मोटे वाला कद्दूकस से ही कर दूँगा। प्लेन ही मिठाई पीठा लेना है आपको। जितना मावा था मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब डाल देते हैं इसमें गोले का बरूदा, ये सूखे गोले का बरूदा है, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। मेरे पास एक बड़ा गोला था जिसे मैंने गोले का बरूदा घर पे ही बनाया है, पिछली वीडियो में मैंने गोले का बरूदा बनाना सिखाया था। मैंने पूरा डाल दिया है, अगर मैं वेट की बात करूँ तो कम से कम वो 250 ग्राम का होगा। तो गोले का बरूदा हुआ हमारे पास 250 ग्राम, और इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए बहुत अच्छे से, मेरे हाथ में हर्शीज है और ये आपको मार्केट में बहुत आराम से मिल जाएगी। थोड़ा सा मैंने अलग निकाल लिया है और अब इसमें डाल देते हैं हम थोड़ी सी हर्शीज, तो ये हमें देगी चॉकलेट फ्लेवर। थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। ये इस तरह से मैंने थोड़ा सा नीचे की साइड चपटा और ऊपर से मैंने गोल बनाया है, और साथ में लगाएंगे हम चॉकलेट बॉल्स। चॉकलेट बॉल्स और हर्षीज से करी है ये वाली मिठाई तैयार हमने। एक मैंने बनाई है ये वाली शेप, और इसमें हम रखते हैं दो काजू। और थोड़ी सी रखते हैं किशमिश, देखिए ये मैंने येलो कलर डाल करके इसको ऐसे बनाया है। एक रेड कलर की बॉल बनाई है, एक ग्रीन कलर की, और एक छोटी सी बॉल बनाते हैं। मेरे पास ये शुगर, बॉल्स हैं, और ये आपको वाइट कलर में और गोल्डन कलर में मिलेंगे, बाज़ार में जाकर के आप ले सकते हैं। और इसको कर देते हैं अब अच्छे से इसको कोट, और अब इसको भी कर देते हैं यहाँ पर सेट। इस तरह से भी आप शेप में बना सकते हैं। मिठाई बनकर तैयार हो गई है, अब करते हैं सर्व। आप एक तरह से भी बना सकते हैं। मिठाई बनकर तैयार हो गई है, अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। बनाइए और खाइए, करके मुझे अवश्य बताएं कि आपको यह कैसे लगी। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।